हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, एक सवाल जो कि आपके मन में भी चल रहा है और मेरे दिमाग में भी चल रहा था, वो आपके साथ मैं शेयर करने चाह रहा हूं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि इंडियन एयरफोर्स की जो नेक्स्ट इनटेक है, नेक्स्ट वैकेंसी है, यानी ये जो नवंबर में एग्जाम होगा, ये तो इनटेक वन है 2020 का, सेकेंड इनटेक के लिए क्या होने वाला है। अब यहाँ पे सवालों की एक लंबी लिस्ट है। सबसे पहले है कि जो नई भर्ती है उसके बारे में जानकारी क्या है, उसके बाद क्या कैंसिल हो सकता है ये इनटेक 2020। अगर कैंसिल होता है तो फिर ये सही होगा या फिर गलत होगा, ये भी बताऊंगा। क्या रैली से ही सभी 4000 प्लस पदों को भरा जा सकता है। एंड देन लास्ट में अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के बच्चों का क्या होगा, ये सब कुछ देखो गाइस। रैली आई है, हर एक स्टेट में रैली जा रही है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम इस चीज को नहीं भूल सकते हैं। अगर रैली के साथ में दोनों हो, यानी स्टार का एग्जाम भी हो, स्टार के लिए इंटेक भी निकाली जाए, नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जाए और साथ में रैलीज भी आए हर एक स्टेट में, तो ये मजेदार चीज होगी। कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और डिफेंस से रिलेटेड हर एक अपडेट पाना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो बेस्ट तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। हम बात करते हैं ये जो वैकेंसी है इसकी, नई भर्ती की जो जानकारी है मेरे पास उसके बारे में, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद कुछ होगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नई भर्ती के बारे में, जानकारी के बारे में। देखिए गाइस, नई भर्ती जो है इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं आई है, कंफर्म जानकारी नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था और एक दो बार आप अगर चेक करोगे तो ऐसा लगा है कि नवंबर तक जब एग्जाम होगा उसी टाइम पे नवंबर में ये वैकेंसी निकाली जाएगी और मे बी जनवरी तक इसका एग्जाम ले लिया जाए। रैली निकाली जा रही है और जिन स्टेट्स में रैलीज नहीं आती थी वहां पे भी निकाल दी गई, लाइक एग्जांपल के लिए राजस्थान, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, इन सभी राज्यों में यहां पे आती नहीं थी, ठीक है, तो यहां पे आ रही है रैलीज। बाकी अगर राज्य अलग अलग रैलीज निकाल दी जाती है तो मे बी कैंसिल भी किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देख करके लग रहा है ऐसा कि ऐसा चांसेस बन सकता है। ओके, गलत होगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि अगर रैलीज दे देते हैं हर एक स्टेट में और कैंसिल कर देते हैं तो ये गलत होगा सही, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, आप खुद डिसाइड करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। देखो, यहां पे कैंसिल हो जाती है मान लो और रैलीज ही दे देते हैं, तो अब समझना क्या है, रैलीज दे दिया इन्होंने, इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है एंड देन आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, उसके बाद आपको रैली में जाना है, ठीक है। तो शॉर्टलिस्टिंग में इतना समझ लो कि 1000 में से, मैं ज्यादा नहीं रखता हूं, मान लो कि 500 को बाहर कर दिया गया, तो वो 500 बच्चे तो नहीं जा पाएंगे ना वहां पे, ठीक है, ये चीज हो गई। अब अगली चीज जो है वो क्या है कि शॉर्टलिस्टिंग हो गया, ये सब सही है, परसेंटेज का ये जो चक्कर है, पहले क्या होता था, अगर स्टार का आ जाता तो 50% और 50%, यानी 50% एग्रीगेट में, 50% इंग्लिश में, वो बच्चा खुश होता, वो तैयारी करता अच्छे से, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी क्या हो जाता है कि अभी डर है एक अंदर से कि यार तैयारी करूं नहीं करूं, नहीं आया एडमिट कार्ड तो फिर क्या करूंगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा और डिमोटिवेटेड हो जाता है, तो ये चीज है, ये चीज हो गई। अगली बात जो है कि ये जो रैलीज हैं ये सिर्फ एक्स ग्रुप के लिए हैं। ओके, मान लो कि आपके राज्य में, आपके यहां एक्स ग्रुप के लिए रैलीज आ गई और आपने जो है कॉमर्स से, क्या कॉमर्स में जो है अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करा है, तो आप तो एलिजिबल नहीं हो ना, वो बच्चा तो एलिजिबल नहीं है जिसने कि इंटरमीडिएट अपना कॉमर्स में, आर्ट्स में कंप्लीट करा है ना, ये तो सिर्फ आईएससी वाले ही कंप्लीट करेंगे, वही इसके लिए जाएंगे, तो यहां पे दिक्कत होती है ना। और यहीं पे अगर एक्स
वाई और एक्स वाई सब मिले तो वहां पे क्या दिक्कत है, सब लोग जा सकते हैं अपने तरीके से, है ना। तो यहां पे एक और ये दिक्कत मुझे नजर आती है। उसके बाद अगली चीज जो है वो क्या गलत हो सकता है वो समझ लो आप लोग, कि ये इंटेक जो है इसके अकॉर्डिंग अगर रैलीज की बात करें तो सिर्फ यहीं तक, यानी कि जो अभी दिखाया जा रहा है जितना दिखाया जा रहा है उन्हीं राज्यों में और उसी स्टेट में उसी डिस्ट्रिक्ट से बुलाया जा सकता है। यानी कि मान लो कि आपके राज्य में जैसे कि हरियाणा में अभी हुआ है, हरियाणा में क्या हुआ है कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए दे दिया इन्होंने और कुछ डिस्ट्रिक्ट में दिया ही नहीं, तो वहां के लोग तो परेशान होंगे, वहां के बच्चे तो परेशान होंगे, वो भी तैयारी कर रहे हैं, है कि नहीं, है ना। तो ये चीज गलत हो रहा है ना। अगर वहां के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है इसका, अगर हर कोई कंपीट ही नहीं कर सकता है तो क्या फायदा है इसका। अगर रैली आती और सभी स्टेट में पूरे बच्चों को मौका मिलता तो एक अलग चीज थी, लेकिन नहीं दे सकते हैं COVID-19 की वजह से, है ना। COVID-19 की वजह से ये लोग शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। बाकी जो इन डिस्ट्रिक्ट्स का क्या हुआ, जो हरियाणा में हुआ, ये तो मेरे बिल्कुल समझ से परे वाली बात थी कि ये क्यों किया गया, लेकिन ऐसा होता है। तो ये क्या है, कैंसल होता है, तो ये चीजें क्या कर सकती हैं आप खुद समझ सकते हो, ये आपके लिए नेगेटिव प्रभाव डाल सकती हैं, ये आपके लिए प्लस भी नहीं होगा, ये आपके लिए माइनस भी होगा, इसमें आपका घाटा है उनका नहीं, समझ गए आप लोग। अब एक और सवाल, क्या रैली से ही 4000 प्लस पदों को भरा जा सकता है, मान लो 4000 पद खाली हो यहां पे और उसके लिए एक इंटेक निकाली जाए स्टार के लिए, तो उसमें तो आराम से इजीली भर लेंगे ये लोग, उसमें भी दिक्कत हो जाती है लेकिन भर लेंगे, ये तो है। क्या 4000 पदों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूटीज में रैलीज निकाल करके भरा जा सकता है? गाइस भरा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य को आप कवर अप कर लोगे, कितना टाइम लग जाएगा आप खुद समझ लो, तीन तीन राज्यों में भी अगर आप देते हो तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम में आप स्टार का एग्जाम कंडक्ट करा के फेज टू और सब कुछ करवा लोगे। तो मेरा मानना यह है कि जिन राज्यों में ऐसा भी हो सकता है कि जिन राज्यों में पहले से रैलीज आती थी वहां पे इस बार ना निकाली जाए रैलीज, और जिन राज्यों में नहीं आती थी वहां पे निकाल दिया जाए रैलीज को भी और स्टार का भी एग्जाम करवाया जाए। स्टार के लिए जो 2020 वैकेंसी है, इंटेक 2020 है, उसके लिए भी आपके लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। ये मुझे ऐसा फील होता है, बाकी कंफर्म नहीं बोल सकता हूं मैं इस चीज को। तो 4000 स्टूडेंट्स को भरा जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल से भरा जाएगा, और यहीं स्टार का एग्जाम होगा तो इजीली इनको लिया जा सकता है। ओके, अब लास्ट चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक राज्य के, हर एक केंद्र शासित प्रदेश के बच्चों का क्या होगा, जहां पे रैलीज मान लो सपोज की नहीं आती है तो वहां के बच्चों का क्या होगा, और सपोज की आती है और उसी राज्य में कुछ बच्चों के साथ भेदभाव हो जाता है, कुछ बच्चों के डिस्ट्रिक्ट में जो है रैलीज आती ही नहीं है, तो क्या होगा, गलत होगा ना, आपको क्या लगता है, गलत नहीं होगा? ये बहुत गलत होगा, अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत होगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि स्टार की वैकेंसी आनी चाहिए, और स्टार की वैकेंसी आने से प्रॉपर तरीके से सबको चांस मिलेगा, सबको चांस मिलेगा, और सबको चांस मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चे ने 12th कंप्लीट करा है तो उसका भी ड्रीम होगा कुछ, अगर वो एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसके पास नॉलेज होगी, उसको पता है अपनी कमियां और खूबियां, तभी वो सोच रहा है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, अदरवाइज कोई क्यों सोचेगा। किसी को अगर समझ लो किसी का बिल्कुल ही लेवल नहीं है, बेसिक ही बिल्कुल वीक है, या फिर समझ लो बिल्कुल खराब है, वो पढ़ता ही नहीं है, वो क्यों जाना चाहेगा इंडियन एयरफोर्स में? तो यार ड्रीम है सबका, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि वैकेंसी आ सकती है आपकी एक्स वाई ग्रुप के लिए। और ये चीजें जो थी मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। बाकी अगर आप यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, जम्मू से हो, दिल्ली से हो, छत्तीसगढ़ से हो, एमपी से हो, एपी से हो, जहां से भी हो, यार एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आपकी जो रैली है वो मे बी आ सकती है, मे बी नहीं भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि रैली आ ही जाए, लेकिन स्टार का जो एग्जाम है ये होगा तो कंफर्म होगा, और ये इसमें आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, और रैली में जरूरी नहीं है आपको मौका मिले, आपके राज्य में मान लो रैली आ जाए उत्तर प्रदेश में और कट ऑफ चली जाए 90% वाले बच्चों का आ जाए एडमिट कार्ड, तो जो 50 60 70
80 ये लेके बैठे हैं, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे यार। और जरूरी नहीं है कि परसेंटेज हैं सब कुछ आपके सामने कर दे, सब कुछ परसेंटेज ही डिसाइड नहीं करता है। आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं, हमारे यहाँ मैं शुरू कर रहा था उस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स को, और उसी टाइम पे मैं फॉर्म अप्लाई करने गया था और भी लोग थे। एक आया वहाँ पे, एक बच्चा था, एक लड़का था, उसने क्या बोला कि भाई अप्लाई कर दो, ये करना है वो करना है, बहुत सारा काम है मुझे। उसके परसेंटेज आप बिलीव नहीं करोगे, 78% थे और वो अप्लाई कर रहा था। बोल रहा था एडमिट कार्ड हमेशा आता है, बस रिजल्ट नहीं निकाल पाता हूँ। भाई उसको कुछ यार, प्रतिभा को आप परसेंटेज में नहीं तोल सकते हैं, ये चीज मैटर ही नहीं करता है, ठीक है? तो ये चीजें हैं जो कि मुझे आपसे क्लियर करनी थी। अगर आपका कम परसेंटेज है, आपका मान लो 55% है, तब भी यार डिमोटिवेट मत हो यार, बहुत सारे लोगों का कम परसेंटेज होगा, एक आप थोड़ी अकेले हो, घबराओ मत, ठीक है? डोंट वरी। और आपके अंदर अगर टैलेंट है ना, तो वो कोई रोक नहीं सकता है आपको जाने से, ठीक है? तो बस अपनी तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी तो मैं हूं ही हर एक चीज के लिए। आपको कैसी लगी वीडियो, वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर कुछ गलती की हो तो माफ कर देना उसके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जाकर जल्दी ज्वाइन करो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और तैयारी पर ज्यादा फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच।